चौपाल ऐप पे आ गई है, और चूंकि ये भोजपुरी भाषा में, तो हम सब यही चाहते हैं कि आप सबका सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, और जब आप लोग भी सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूर्वांचल वेब सीरीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम लोग सफल हो पाएंगे, और इसलिए आप सबको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है। हमारे अनिश मिश्रा जी जो इस पूर्वांचल वेब सीरीज में कृष्ण की भूमिका में है, और इस धर्म युद्ध में मैं अर्जुन की भूमिका में हूँ, और यही मेरा मार्गदर्शन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो लाइन आप जरूर एक बार बोले जो आप मुझे मंत्र देते हैं कि अगर जीवित रहना है यहाँ तो कैसे रहेंगे। जोरदार ताली हो जाए। जिंदा रहना है तो बाहर करो, तुम्हें भी पहला जिंदा रहना है तो प्रहार करो, और उसमें भी पहला पहले ही एक मुक्का मारता बैठ जाइए, और ओके मौका मिल गया तो मार दे तू बैठ जाइएगा। तो जीवित रहेंगे तो पहले प्रहार करा, यही इनका मंत्र मिला मुझे, और उसके बाद इस पूर्वांचल वेब सीरीज की जो सबसे खूबसूरत बात है, जहां खूबसूरती जा करके फुल स्टॉप लग जाए, खड़ी पाई, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, बात खत्म, इतनी खूबसूरत आपने पाई हुए इनमें हमारे को डाला होगा पूर्वांचल में, खूबसूरती जहां जाके फुल स्टॉप लग जाए, खड़ी पाई, पूर्ण विराम, बात ऐसा। आम्रपाली जी के ये पूर्वांचल वेब सीरीज में हम छोटे पर से देखत रहे, तो इनकर भी वो बड़ा बढ़िया डायलॉग हम चाहब कि जरूर आम्रपाली दुबे जी ड्रीम गर्ल एक बार आप लोग के सुनावा। सबसे पहले तो आप सभी लोग के नमस्कार, बहुत ज्यादा खुशी होता हमके इतना सारा इन्फ्लुएंसर हमनी के आजमगढ़ और आसपास के एरिया से देख के, बहुत डिफिकल्ट जॉब बा, मोबाइल लेके पूरा दिन रेडी रहे के बा, कंटेंट शूट करे के बा, अपलोड करे के बा, बहुत मेहनत के काम बा, हमके पता बा कि हम बहुत एक्टिव रही ला सोशल मीडिया पर, तो आप सबके हैट्स ऑफ, और पहले तो अपना खातिर ताली बजाई लो, बहुत मेहनत करा ताली बजाती है। पूर्वांचल वेब सीरीज में जब भी दिनेश जी हमके ई वाला डायलॉग बोले ले कि फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, खड़ी पाई, सबसे सुंदर बात खत्म, बात खत्म, तब हमारे एगो बहुत ही प्यारा है में डायलॉग बाहुई है कि जो बचपन से बटन जैसा आंख का दूरबीन बना के मुफ्त का सिनेमा देख रहे हो ना, सब पता है। बटन जैसी आंख, ये वाला सबसे बेस्ट लगता है। अरे हम तो ये देख रहे हैं कि आप कैसे कपड़ा धो रहे हैं। अरे सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक कपड़ा धोए में कौन सा खूबसूरती है। अरे भैया कपड़ा धोते हुए लड़की को नहीं देख रहे हैं। मैं तो इनको कहता हूँ कि भाई कपड़ा ज्यादा है, अकेले धोते धोते थक जाओगी, आओ बैठते आमने सामने बैठ, दो जन मिल के धोते हैं, उनमें भी आमने सामने बैठ। तो जब ऐसा डायलॉग ये बोल देते हैं तब हम उठाते हैं वो क्या कहते हैं उसको, लकड़ी का जो बैट जैसा रहता है, पिटना काम कहे नहीं कि यही के चला के मारा निकल ही जैसे। कुल मिला के इतना बढ़िया वेब सीरीज बनल भाई कि चौपाल
पे रिलीज कर गए बा एक बनावे वाला हमार बड़ भैया अभय सिन्हा जी यशी फिल्म और अभय भैया तो नहीं आए पर पंकज भैया आए तो मैं चाहूंगा कि पंकज भैया आप मंच में आए। पंकज तिवारी जी जिनके देख रेख में ये पूरी वेब सीरीज बनी है वो पंकज तिवारी जी हमारे बीच में और हमारे गाजीपुर से ही हैं तो मेरा विशेष लगाव इनसे भी है और इनका मुझसे है। ये हमारे पंकज भैया एक जोरदार ताली हो पंकज भैया के लिए। कुछ बड़ा करना होता है तो पंकज भैया खड़े हो जाते हैं। पंकज भैया का कहना ये होता है कि भोजपुरी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमको बताइए। तो हम लोग इनको जब भी आप लोगों ने रणभूमि देखा होगा रणभूमि मेरी फिल्म देखे थे रणभूमि वो भी इन्होंने ही ताना बाना बुन के बनवाया था बहुत बड़ी फिल्म थी। परिवार इन्होंने बनवाया था बहुत एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में। और अभी ये हमारा जो ऐप है पूर्वांचल ऐप मुझे लगता है इस पे भी चौपाल ऐप पे पूर्वांचल वेब सीरीज इसके पहले भी पवन जी की प्रपंच उसके अलावा भी बड़ी बड़ी जो वेब सीरीज है वो भी बकड़ुआ विवाह और एक रितेश जी की भी है ये लंका में डंका ये सब जिला जहानाबाद और आने वाले समय में और भी आप लोगों को बहुत सारा अच्छा अच्छा एंटरटेनमेंट उस पे मिलने वाला है। तो अपने भाषा में जब मिलेला ना मनोरंजन तो मनोरंजन का मजा बढ़ जाला कई गुना। और हमारे बीच में हमारे चौपाल ऐप के भी नितिन जी हैं तो मैं चाहूंगा कि नितिन जी एक जोरदार ताली हो नितिन जी के लिए और जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और लगातार आप लोग पूरे भारत में चौपाल ऐप के लिए काम कर रहे हैं। कई भाषाओं में तो मतलब इसका जोड़ ही नहीं है जैसे पंजाबी में तो एक छत्र राज चल रहा है चौपाल का। और देखिए आजमगढ़ में जब इतने सारे हमारे इन्फ्लुएंसर मिल गए हैं तो आप भोजपुरी में भी चौपाल राज करेगा और आप सबका साथ चाहिए। और मुझे लगता है कि जितना प्रेम आशीर्वाद आप लोग देते हैं निश्चित रूप से आपका सहयोग मिलेगा और चौपाल भोजपुरी में भी उसी तरह से एक छत्र राज करेगा जैसे बाकी जगह पे कर रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे आप सब आए। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से आप सब अपने लिए तालियां बजा दीजिए क्योंकि कोई भी कलाकार कोई भी मंच कोई भी ऐप कोई भी टीवी आप सबके सपोर्ट के बिना अधूरा है। उसके अलावा हमारे जो कलाकार सब हैं सर आपके लिए तो सल्यूट है सबके लिए। आपने अपने कीमती समय निकाला और हमारे लिए यहाँ आए हैं। पंकज जी धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका आपने इकट्ठा कर दिया सबको ये रौनक लगा दी। अवधेश सर मैम सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर ने बोला कि चौपाल हम ऑलरेडी पंजाबी हरियाणवी और भोजपुरी तीन भाषाओं में हैं। पंजाब से हैं तो पंजाब में अच्छा कर रहे हैं। अब आप सबका साथ रहेगा तो भोजपुरी में भी नए झंडे गाड़ेंगे। धन्यवाद। चूंकि चौपाल एक ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम। मैं प्रणाम अपना बोलना भूल गया था चूंकि प्रभु ने डायलॉग्स बोलने का आदेश दे दिया। तो आजमगढ़ में हूँ तो थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी भाई ने बोला ना आजमगढ़ के बारे में अच्छा तो आजमगढ़ का महत्व हाँ ध्यान से कुछ भी सांसें भी लो तो ध्यान से। ये आजमगढ़ की मैं अच्छाइयों को जानता हूँ इसकी बुराइयों को बहुत ज़्यादा नहीं जान पाया हूँ। और ये पूर्वांचल में पड़ता है और ये हमारा जो वेब सीरीज है पूर्वांचल इसके बारे में